Welcome children, it's your butterfly social study class 1. Today I will tell you an interesting story, and our story topic is the small basket. The small basket. The small basket. Aha! This place is getting smaller. Kitten thinks. Kitten soch rahi thi कि ये जगह मेरे सोने के लिए छोटी हो गई है. While trying to sleep, जबकि वो सोने की कोशिश कर रही थी. He asked owl, Meow, meow, why is my basket getting smaller? वो कहती है कि देखो मेरी बास्केट क्यों छोटी हो रही है. Owl looks at kitten and says, owl kitten ki taraf dekhta hai aur kehta hai, it's not getting smaller, you are getting bigger. Ki ye nahi choti ho rahi balki tum badi hoti ja rahi ho. Owl is busy reading. Owl reading kar raha tha. So kitten goes to zebra and asks. किटन जीब्रा के पास गई और उससे कहा, म्याऊ म्याऊ, why am I getting bigger? मैं बड़ी क्यों हो रही हूँ? जीब्रा replies. जीब्रा बोला, you eat healthy food. तुम अच्छे खाने खाती हो, तुम सेहतमंद खाने खाती हो, इसलिए तुम बड़ी हो रही हो. Ahmed turns home and see that kitten is sad. Ahmed घर आता है तो देखता है कि kitten sad है, kitten उदास है. He asks, what's wrong? Are you hungry? वो उसको कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम्हें भूख लगी है? Meow, meow, no, I can eat, kitten replies. किटन कहती है, नहीं मैंने खाया है खाना. बट वाई आस्क अहमद. अहमद ने कहा, फिर तुम क्यों उदास हो? ईटिंग मेक्स मी बिग. मियाँ मियाँ, ईटिंग मेक्स मी बिग, माय बास्केट इज गेटिंग स्मॉलर फॉर मी, किटन रिप्लाइज. किटन कहती है कि खाना खाने से मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी बास्केट छोटी हो गई है, इसलिए मैं उदास हूँ. अहमद स्माइल्स एंड सेज. अहमद मुस्कुराता है और कहता है, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड थिंग्स गेट स्मॉल फॉर देम, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और चीज़ें उनके लिए छोटी रह जाती हैं. इट मीन्स वी नीड न्यू थिंग्स एज वी ग्रो. इसका मतलब है कि जून जो हम बड़े होते हैं तो हमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो डोंट वरी, अब तुमने सैड नहीं होना. वी विल गेट यू अ न्यू बास्केट, हम तुम्हारे लिए एक नई बास्केट लेके आएंगे. ऑन हियरिंग दिस किटन रन्स फॉर हिज फूड. ये सुनते ही किटन और खाना खाने के लिए भागी. आपको स्टोरी अच्छी लगी है? ओके.